वेलकम बैक एवरीवन, ये वीडियो पार्ट टू है आफ्टर अपडेट की, जिसमें कुछ ऐसे ऐसे स्किल्स है जो लास्ट वीडियो पे नहीं था, इसलिए हम देखेंगे टोटल चार स्किल्स, जिसमें इंक्लूड है अपडेट सीएस रैंक स्किल कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट होमर कैटर कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट दिमित्री स्किल कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4 सीएस रैंक बेस्ट कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट। दोस्तों आफ्टर अपडेट सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है वो है सेंटिनो कैरेक्टर। दोस्तों सेंटिनो कैरेक्टर को यहां पे रिवर्क किया गया है, अब इसको आप दो बार यूज कर सकते हो, ठीक है, दो बार अपना पोजीशन को स्विच कर सकते हो। एंड इसका कूलडाउन टाइम में डिक्रीज हुआ है, पहले 90 सेकंड था अब 75 सेकंड हुआ है। एंड बहुत ज्यादा मस्त है सेंटिनो कैरेक्टर, अपना पोजीशन को स्विच करके बंदा को आप मार सकते हो, इस टाइप का यहां पे ये स्किल है। तो सबसे पहले आपको ना यहां पे पैसिव स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप लोग ये कैरेक्टर यूज करना। देखो सबसे पहले आपको लेना चाहिए यहां पे केली कैरेक्टर, क्योंकि आप लोग सेंटिनो यूज कर रहे हो तो केली आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड वैसे भी आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो तो आपको यहां पे सेंटिनो काम आ ही जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग केली लेंगे, केली के साथ एक ऐसा कैरेक्टर भी लेंगे जिसको स्किल में यहां पे थोड़ा डिफ किया गया था। यहां पे पहले 40 शील्ड पॉइंट मिलता था लेकिन अब 30 शील्ड पॉइंट मिलता है, उस कैरेक्टर का नाम है एंटोनियो कैरेक्टर। दोस्तों हम लोग एंटोनियो कैरेक्टर इसमें इंक्लूड करेंगे, ओके, बहुत काम का है यहां पे सेंटिनो के साथ। एंड उसके साथ ही यहां पे एक आपको ऐसा भी एचपी लेना है जिससे आपको गाइस यहां पे एचपी इंक्रीज होता है, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर लेना है जिससे आपका एचपी इंक्रीज होता है। तो गाइस उस कैरेक्टर का नाम है लियोन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को गाइस यहां पे फ्री फायर में सबसे ज्यादा एचपी देता है गाइस, ठीक है, यही कैरेक्टर जो आपको 60 एचपी मिलता है मुफ्त में, आपको दो ही मेडिकेट मिलता है, लेकिन हम लोग को लियोन बहुत हेल्प कर देगा ना, लियोन कैरेक्टर सीएस में खेल रहे तो लियोन काम आएगा यहां पे, एंटोनियो काम आएगा, केली भी काम आएगा एंड सेंटिनो भी काम आएगा आफ्टर अपडेट सीएस का। तो मैं आपको दिखा दूं गेम प्ले कैसा है इस स्किल का, तो चलो आ जाओ गेम स्क्रीन पे। तो हम देख रहे हैं सीएस रैंक का बेस्ट कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट, मेरे पास है सेंटिनो, केली, एंटोनियो एंड लियोन। ओके अब देखो सबसे पहले यहां पे मैं क्या करूंगा, अपना यहां पे डमी को छोड़ूंगा, डेकोय को, उसके बाद बंदा को मारने गया। एंड देखो मैं बंदा का यहां पे डैमेज हो ना, तो मैं यहां पे अपना स्विच पोजीशन कर लिया, ठीक है, स्विच पोजीशन करने के बाद अंदर ही आ गया क्योंकि मैंने डेकोय का अंदर ही छोड़ा था ना। उसके बाद देखो मेरा लियोन चालू हो गया, देख रहे हो गाइस, केली से तो मूवमेंट करा एंड साथ ही साथ मेरे पास एंटोनियो भी था जिस वजह से मैं मर नहीं पाया। एंड उसके बाद मैं बाहर गया एंड उस प्लेयर को यहां पे नॉक कर दिया, देखो खत्म भी कर दिया। एंड फिर देखो गाइस यहां पे क्या आ गया, यहां पे ओरियन प्लेयर आ गया, ओरियन प्लेयर को मारने के लिए मैं फिर से वापस गया, तो मुझे इसमें यहां पे एंटोनियो पे गाइस यहां पे उसने हिट किया, देखा ना गाइस एंटोनियो पे हिट किया। लेकिन गाइस हम लोग बोलते हैं गाइस ये कैरेक्टर अभी भी बेस्ट है। यहां पे मैं एक और आपको सिनेरियो दिखाता हूं, तो गाइस देखो जब आपको गाइस बंदा मारे बहुत गंदा मार रहे हो तो आप लोग क्या करो, यहां पे ग्लू वॉल से 360 पैक कर लो। एंड उससे पहले, लेकिन एक ग्लू वॉल लगाने से पहले अपना यहां पे डेकोय को छोड़ दो, ठीक है, सेंटोनियो यूज कर दो, उसको थोड़ा बाहर फेंक दो एंड उसके बाद आप लोग मेडिकेट मार लो। मेडिकेट मारने के बाद बंदा जैसे ग्लू वॉल फोड़ने लगे आपका टीममेट तो आपको हेल्प करेगा, उसके बाद आप लोग यहां पे डेकोय पे वापस से क्लिक करके आप लोग बाहर आ जाओ, ठीक है। यहां पे देखो मैंने बाहर आ गया एंड उस प्लेयर को अगर आपको पहले मेरा टीममेट नॉक कर ही दिया था, देखो गाइस बहुत रिलीफ मिलता है एज इस तरह से खेलने के बाद, ठीक है। तो लास्ट का एक बंदा बच गया था तो मैंने यहां पे गया एंड उस प्लेयर को खत्म कर दिया, उसने तो मुझे एंटोनियो पे हिट किया, मेरा लियोन भी चालू रहा था, केली भी बहुत काम कर रहा था। मैं बोलूंगा स्किल कॉम्बिनेशन परफेक्ट है फॉर आफ्टर अपडेट सीएस रैंक पुशर्स के लिए, तो आप यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, आफ्टर अपडेट ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों आफ्टर अपडेट जो ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको यहां पे ओरियन में क्या कैरेक्टर इंक्लूड कर रहा है वो देखो, आपको यहां पे इंक्लूड करना है एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको डबल रेट ऑफ फायर मिले, डबल रेट ऑफ फायर कैरेक्टर में बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लेंगे लूना कैरेक्टर, ओके, देखो ओरियन के साथ अगर मैं डबल रेट ऑफ फायर बना दूंगा ना तो आप लोग 3 सेकंड में ओरियन बनोगे प्लस बंदा को मार के फिर से ओरियन बन जाना, इस टाइप का कैरेक्टर में आपको दे रहा हूं ओरियन में, ओके। तो यहां पे मैं लूना रह रहा हूं, रेट ऑफ फायर और मूवमेंट मिलेगा, उसके साथ ही एक ऐसा कैरेक्टर और लूंगा जिससे मुझे रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाए, ओके। तो मैं लूंगा दशा कैरेक्टर, तो दशा कैरेक्टर की स्किल भी सेम ही काम करता है लेकिन बंदा को नॉक करने के बाद काम करता है, ओके। तो यहां पे दशा स्किल काम आएगा, उसके साथ ही एक कैरेक्टर जो हम लोग लेने जा रहे हैं जिससे आप लोग बार बार ओरियन बन सकोगे, तो उस कैरेक्टर का नाम है मिगुएल कैरेक्टर, ओके। तो मिगुएल कैरेक्टर भी यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं, तो यहां पे मिगुएल लेंगे, दशा लेंगे, लूना एंड ओरियन कैरेक्टर। तो ये सीएस का स्किल कॉम्बिनेशन आप बीआर में भी यूज कर सकते हो आफ्टर अपडेट ओरियन का। तो मैं आपको गेम में लेके चलता हूं तो आपको पूरा दिखाऊंगा गेम स्क्रीन पे। सब दोस्तों हम देख रहे हैं आफ्टर अपडेट ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन, मेरे पास है ओरियन, मिगुएल, लूना एंड दशा। अब देखो गाइस सामने बंदा है सीएस रैंक खेल रहे हैं, अब देखो मैंने इस प्लेयर को नॉक किया तो दशा एक्टिवेट हो गया एंड दशा से पहले यहां पे मेरे पास लूना भी था क्योंकि लूना तो काम ऐसे कर जाता है। अब देखो मैं यहां पे ना अपना ओरियन बन के गया, तो यहां पे देखो फिर से मुझे यहां पे ओरियन बनना पड़ा एंड मेरा यहां पे
पे रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो गया था, डबल रेट ऑफ फायर कैटर इंक्रीज हुआ था। पता है गाइस, डबल रेट ऑफ फायर जो कैटर गाइस यहां पे आपको लूना पहले से देता है उसके साथ ही, लेकिन अगर आप लोग बंदा नॉक करोगे तो आपको दशा भी देता है। तो इस टाइप का कैटर है गाइस ये लूना एंड दशा, एंड आपके पास ओरियन एंड मिगुएल तो रहेगा, एंड जिस वजह से गाइस देखो मैंने किस तरह से इस गेम को विक्ट्री निकाला, तो आपको बोलूंगा ये स्किल कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे, आफ्टर अपडेट होमर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों होमर में क्या स्किल कॉम्बिनेशन आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या स्किल आपको लेना चाहिए होमर में, मैं आपको वही बता रहा हूं कि आफ्टर अपडेट होमर का स्किल तो चेंज हुआ है। आपको पता ही है यहाँ पे 4 मीटर मिलता था, अब 5 मीटर मिलता है, प्लस यहाँ पे अब 60 सेकेंड का कूल डाउन टाइम लग चुका है, पहले 70 के आसपास था, 75 ऐसा कुछ था, ठीक अब 60 सेकेंड हो चुका है, तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। एंड प्लस यहाँ पे बंदा लोग अब और भी ज्यादा मतलब बोल सकते हो गुस्सा होगा कि यहाँ पे फायरिंग स्पीड को कम कर दिया, बंदा लोग जल्दी फायर नहीं कर पाएगा जब वो होमर में फंसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या स्किल लेना चाहिए होमर के साथ। तो सबसे पहले आप लोग जब भी सीएस में होमर या बीआर में होमर लेके खेलते हो तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ना मोको कैरेक्टर ले लो, क्योंकि देखो गाइस जब आप लोग होमर लगेगा बंदा पे तो उस टाइम में मोको काम आएगा आपको लोकेशन देने में, कहां पे बंदा को लगा, ठीक है किस जगह पे लगा, क्योंकि आपका होमर कहीं भी लग सकता है लेकिन सामने भी लगेगा, ऐसा बात नहीं है, होमर बहुत काम का है। अब देखो होमर के साथ मैंने ले लिया मोको कैरेक्टर, उसके साथ ही देखो आप लोग क्या करना, यहां पे लेना एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको 60 एचपी टाइम पे मिलते रहे। तो मैं लूंगा यहां पे लियोन कैरेक्टर, तो मैंने होमर के साथ लियोन भी लिया एंड मोको भी लिया। एंड साथ ही साथ पैसिव नंबर 3 देखना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टाइम में जैसे आपका होमर लगेगा उस टाइम में आपको रश करना होगा उस बंदे पे, तो हमें चाहिए थोड़ा मूविंग स्पीड एंड स्प्रिंटिंग स्पीड, तो मैंने यहां पे ले लिया केली कैरेक्टर, क्योंकि उस टाइम में हम लोग दौड़ के जाना होगा एंड उस बंदे को खत्म करना होगा, तो इसलिए मैंने यहां पे केली दिया, लियोन दिया, मोको दिया एंड होमर दिया। अब स्किल कॉम्बिनेशन को भी टेस्ट करके देखते हैं गेम स्क्रीन पे। तो चलो सब दोस्तों हम देख रहे आफ्टर अपडेट होमर स्किल कॉम्बिनेशन, मेरे पास है होमर, मोको, लियोन एंड केली। अब देखना ये स्किल कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करता है। वैसे भी हम लोग के पास अभी कॉटलिस तो अराउंड है, तो यहां पे हम लोग स्किल कॉम्बिनेशन थोड़ा हार्ड होगा यूज करने में, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले यहां पे राइडर ने मेरा प्लेयर को ब्लॉक कर दिया, स्किल वगैरह यहां पे फ्रीज कर दिया था, उसको आराम से मार सकता था, तो मैंने क्या किया यहां पे ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद देखो यहां पे हम लोग किस तरह से मारेंगे। सबसे पहले देखो इस स्किल को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज गौर करो, मेरे पास मोको भी है एंड लियोन भी है। केली तो आपको स्प्रिंटिंग स्पीड दे ही रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, स्प्रिंटिंग स्पीड देने के साथ साथ मैं क्या क्या यहां पे छत को चेंज कर लिया। अब छत को चेंज करने के बाद देखो मैंने इस प्लेयर को नॉक करने की कोशिश किया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, नॉक नहीं हुआ, उल्टा मुझे गाइस यहां पे एक चीज का फायदा हुआ कि मुझे लोकेशन मिला वो बंदा कहां आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ मोको। फिर मैंने यहां पे देखा कि उनका और टीममेट सारे आ रहा था, तो मैंने उनको मारते गया, मारते उनको डैमेज देते रहा, फिर यहां पे ग्लूवल वगैरह फटाने लगा, तो मैंने सोचा यार कि काम करता हूं डायरेक्ट होमर यूज करता हूं, सारे प्लेयर को खत्म कर दूंगा। यही हुआ कि यहां पे जैसे होमर लगा सारे के सारे प्लेयर जितने भी थे 3-4 प्लेयर सबका मूवमेंट स्लो हो गया, एंड उस टाइम में सभी प्लेयर को मैंने खत्म कर दिया। तो ये स्किल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है, मैं तो बोलूंगा आप ये स्किल कॉम्बिनेशन को ट्राई जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, आफ्टर अपडेट दिमित्री स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों दिमित्री के जो स्किल कॉम्बिनेशन यहां पे थोड़ा चेंजेस हुई है, पहले हम लोग सोनिया यूज करते थे दिमित्री के साथ, लेकिन अब सोनिया यूज नहीं कर रहे, इसलिए काफी सारे स्किल्स को यहां पे चेंजेस हुए। दिमित्री का तो यहां पे चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन इसका सबसे मोस्ट लव्ड पैसिव एंड डुओ कैरेक्टर था गाइस ये दिमित्री और सोनिया, गाइस बहुत ज्यादा तहलका मचा था, लेकिन अब तहलका मचा नहीं सकते हैं क्योंकि सोनिया काम नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता आप लोग का स्किल कॉम्बिनेशन यहां पे चेंज हो रहा ना, तो इसीलिए आप लोग क्या करना यहां पे अब से तीवा कैरेक्टर को फिर से इंक्लूड करना शुरू कर दो, क्योंकि पहले तो हम लोग तीवा लेके खेलते थे, लेकिन यहां पे सोनिया आने के कारण हम लोग सोनिया लेके खेलते, लेकिन वापस सोनिया को बेकार कर दिया, तो अब तीवा ही लेके खेलना होगा। दोस्तों तीवा बहुत ज्यादा काम का है, तो मैं क्या कहूंगा आपको तीवा ही लेना बोलूंगा, उसके साथ ही एक ऐसा कैरेक्टर लेंगे जिससे गाइस अगर हम लोग नॉक होने का गाइस या फिर हम लोग नॉक हुए या फिर किसी बंदा को नॉक करेंगे तो बंदा का मूवमेंट ही स्लो हो जाएगा, प्लस यहां पे वो लोग जल्दी दौड़ के नहीं आएगा हमारे पास क्योंकि उनका मूवमेंट स्लो होगा ना। तो यहां पे हम लोग ले रहे ओठो कैरेक्टर ताकि हम लोग थोड़ा टाइम मिल जाए यहां पे अपना दिमित्री से रिवाइव होने का, ठीक है। टाइम में आप लोग दिमित्री भी ऑन कर लेना, जब बंदा को फायर करोगे लग रहा है कि अगर आप लोग मर रहे हो दिमित्री ऑन कर लेना यार, ओके। दिमित्री के साथ साथ यहां पे हम लोग ओठो लेंगे एंड उसके साथ ही एक ऐसा कैरेक्टर लेंगे जिससे बंदा हमारा ग्लूवाल ना फोड़ पाए एंड वो लोग पागल हो जाए, यार ये ग्लूवाल फटता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास है यहां पे नायरी का स्किल। यस माय फ्रेंड, आपको लेना होगा नायरी का स्किल, अगर आप लोग बीआर भी खेल रहे हो या फिर आप लोग
सीएससी खेल रहे हो तो आपको लेना होगा नायरी का स्किल, क्योंकि नायरी का स्किल काम ये करता है कि ये ग्लू वॉल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारा ग्लू वॉल को ये फटने नहीं देता है। जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग सोनिया यूज नहीं कर रहे ना तो कम से कम नायरी से हम लोग बच जाएंगे। तो हमारे पास है नायरी, ओठो, तीवा एंड दिमित्री, तो यही स्किल कॉम्बिनेशन आपको गेम में लेना होगा। तो चलो हमने टेस्ट करके देखते हैं स्किल कॉम्बिनेशन अब बेस्ट है कि नहीं। चलो हम देख रहे हैं दिमित्री स्किल कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट, मेरे पास है दिमित्री, तीवा, ओठो एंड नायरी का स्किल। अब देखो यहाँ पे जो प्लेयर्स वगैरह है ये अंदर छुपा हुआ है एंड हम लोग पहले एक राउंड डिफीट हो चुका है। अब डिफीट होने के कारण मेरे पास क्या कैरेक्टर है आप लोग तो वही पता है, लेकिन मेरे पास कौन सा गन है वो आप लोग देख लो, वो अपना पास डेजर्ट ईगल, ठीक है। डेजर्ट ईगल का यहाँ पे देखो मैंने एक प्लेयर को नॉक कर दिया, उसके बाद मैंने इस प्लेयर से गन ले लिया। गन लेने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे सारे प्लेयर का यहाँ पे मूवमेंट स्लो हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ ओठो का स्किल। ओठो का स्किल बहुत काम का है, ये चीज हमेशा याद रखना। और अभी तक तो मैंने दिमित्री यूज किया भी नहीं, सभी प्लेयर को कैस मैं ओठो से मार रहा हूं, अब मैं दिमित्री यूज करूंगा कि मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हुआ है। जो टीममेट आप लोग देख रहे हो वो तीवा से जल्दी से यहाँ पे रिवाइव हो गया, प्लस दिमित्री से वो जल्दी से यहाँ पे देखो उसको एचपी भी इंक्रीज हो गया, प्लस देखो यहाँ पे लास्ट में एक प्लेयर बचा था मैंने खत्म कर दिया। वैसे भी ओठो, नायरी, तीवा एंड दिमित्री ये स्किल कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट सबसे बेस्ट चल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा यूज करने के लिए।